नमस्ते बच्चों, रूम टू रीड से मैं हूं आपका दोस्त ताहिर अली, और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक नई कहानी। कहानी के लेखक हैं क्रिस्टोफर मैकबेले और चित्र बनाए हैं स्टीफन वॉलेस ने। इस कहानी का नाम है सूरज की सूझबूझ। सूरज अपने मक्के के खेत में अपने पिता के साथ बहुत मेहनत करता, लेकिन हर रात लंगूर आते और उनके खेत को बर्बाद कर देते। सूरज अपने खेत को कैसे बचाएगा, यही हम इस कहानी में सुनेंगे और देखेंगे। तो आइए मेरे साथ इस सफर पर सूरज की सूझबूझ। सूरज और उसके पिता एक पहाड़ के पास रहते थे। उस पहाड़ पर बहुत से लंगूर भी रहते थे। सूरज और उसके पिता को अपने खेत में साथ साथ काम करना अच्छा लगता था, पर लंगूर हमेशा उनको परेशान करते थे। लंगूरों से खेत को बचाने के लिए उन्होंने अपने खेत को कांटेदार तारों से घेर दिया, पर लंगूरों ने घेरा तोड़ दिया। वे बहुत परेशान हो गए। कोई नया तरीका सोचना होगा। उन्होंने सोचा, बहुत सोचा, खूब सोचा। अगले दिन खेत में काम करते हुए भी वे सोचते रहे। फिर खेत से आकर नहाए। उस रात लंगूर आए, मक्के को बर्बाद किया, खूब नहाए और पानी इधर फैलाया उधर फैलाया। चारों तरफ देखकर सूरज और उसके पिता फिर से परेशान हो गए। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। उन्होंने सोचा, खूब सोचा। अचानक सूरज को एक उपाय सूझा। उस रात सूरज ने खुजली वाले पत्ते पानी में डालकर छोड़ दिए। लंगूरों को पिछले दिन बहुत मजा आया था। वे दोबारा नहाने से खुद को रोक नहीं सके। इस बार उन्होंने कोई मक्का बर्बाद नहीं किया, वे बस पानी में छपा छप करना चाहते थे। पर अब वे खुजला रहे थे, खुजली खुजली छपा छपा, खुजली खुजली खुजली। उस रात लंगूर पहाड़ छोड़कर चले गए। फिर कभी सूरज और उसके पिता को लंगूरों ने तंग नहीं किया। अब उनके खेत में खूब फसल उगती थी। तो कैसी लगी बच्चों कहानी? उम्मीद है आपको मजा आया होगा। तो अब हम कहानी पर कुछ बात करते हैं। अगर सूरज की जगह आप होते तो लंगूरों को भगाने के लिए क्या करते? सूरज की तरह आपने भी कभी किसी समस्या का हल खोजा था? अगर हाँ तो फिर बताइए जरा क्या। धन्यवाद बच्चों इतने ध्यान से कहानी सुनने और हमारे साथ बात करने के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक ऐसे ही कहानियों को आप पढ़ते और सुनते रहिए। बाय बाय।